try this strawberry cake. And I hope you can make it with strawberry. And you're gonna rock it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिफाली कुकिंग क्लासेस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आमंड स्ट्रॉबेरी फ्रॉस्टेड टी टाइम केक। इसके लिए हमें चाहिए 110 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, 30 ग्राम हमें चाहिए आमंड मील यानी कि बादाम का पाउडर, 100 ग्राम चाहिए पाउडर शुगर, यहाँ आप कैस्टर शुगर भी ले सकते हो और पाउडर शुगर भी ले सकते हो, 35 ग्राम हमें चाहिए चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज, 40 ग्राम ऑयल, मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, 100 ml मैंने लिया है मिल्क जो रूम टेम्परेचर पे है, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और हाफ टी स्पून ही हमें चाहिए विनेगर, ये मैंने सिंथेटिक विनेगर लिया है, एक चुटकी हमें नमक चाहिए और थोड़ा सा हम रेड कलर ऐड करेंगे जो ऑप्शनल है। ये है 7 इंच का टिन जिसे मैंने ग्रीस कर लिया है और पार्चमेंट पेपर लगाकर रख दिया है। अब हम एक बोल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे ऑयल, तो ये रिफाइंड ऑयल है, आप कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने ऐड किया विनेगर और इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, तो एक साथ सारा मिल्क नहीं ऐड करेंगे, आधा मैंने अभी ऐड किया है, लगभग 50 ml। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, इसे भी मिक्स कर लेंगे और अब सभी ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को छान लेंगे। तो मैंने ये मैदा ऐड किया, अब मैं इसमें बादाम का पाउडर ऐड करूँगी, तो बादाम को 10 मिनट भिगो दीजिए गर्म पानी में, छील कर उसे ग्राइंड कर लीजिए तो आपको इस तरह का पाउडर मिल जाएगा। अब मैंने इसमें ऐड किया बेकिंग सोडा और साथ ही पाउडर शुगर, सभी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। तो देखिए जो थोड़ा सा मोटा पार्ट बचा है आमंड्स का वो भी हम इसी में मिक्स कर देंगे, छानना बहुत ज़रूरी है तो ये स्टेप को स्किप मत कीजिए। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, तो एक साथ सारा मिल्क ऐड मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे और कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। हमें इसका थोड़ा सा गाढ़ा बैटर चाहिए, तो इसमें 100 ml मिल्क लग जाता है, लेकिन एक साथ मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिए। तो आप देख सकते हो बैटर थोड़ा सा थिक है। अब मैं इसमें एक ड्रॉप रेड फूड कलर ऐड करूँगी, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो स्किप कर दीजिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरीज चॉप किए हुए, अगर आपके पास स्ट्रॉबेरीज नहीं है तो आप यहाँ स्ट्रॉबेरी एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, मैं इसमें थोड़ा सा मार्बल इफ़ेक्ट दूंगी ताकि जब हम इसे कट करेंगे तो अंदर से रेड और वाइट दोनों तरह का केक हमें दिखाई देगा। तो अब मैं इसे टिन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, आप इसे रेक्टेंगल और स्क्वायर राउंड किसी भी टिन में बना सकते हो। तो ये देखिए बहुत सुंदर ये दिख रहा है और जब ये बेक होगा तो अंदर से भी काफ़ी कलरफुल दिखाई देगा। तो मैंने अवन ऑलरेडी प्रीहीट कर लिया है, इसे मैं बेक करूँगी 160 पर, नीचे का कॉइल मेरा ऑन है और बेक होने में 25 से 30 मिनट लगेंगे। तो यहाँ ये अच्छे से बेक हो गया है, मैंने टूथपिक टेस्ट भी कर लिया है। अब हम दोनों साइड से पार्चमेंट पेपर को पकड़ के ऊपर खींच लेंगे और इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए प्रॉपरली हर तरफ से अच्छे से बेक हुआ है, जब हम इसे कट करेंगे तो इसमें रेड और वाइट पूरा मार्बल इफ़ेक्ट भी दिखाई देगा। तो आप इसे इस तरह भी सर्व कर सकते हो स्ट्रॉबेरी टी टाइम केक की तरह, और अगर आप इसकी फ्रॉस्टिंग चाहते हैं तो आप इसकी फ्रॉस्टिंग भी कर सकते हैं। केक एकदम ठंडा हो गया है, मैंने ब्रेड नाइफ से इसे कट करना है, तो कट आप तभी कीजिए जब केक एकदम ठंडा हो। इसके मैं थोड़े बड़े पीसेस कट कर रही हूँ क्योंकि हम इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग भी करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कलर नहीं आया है, बहुत अच्छे से कलरफुल हमारा केक तैयार हो गया है। तो ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है अंदर से, काफ़ी कलरफुल दिख रहा है, बहुत अच्छा केक बनके तैयार हुआ है। इस तरह से भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, और अगर फ्रॉस्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए 50 ग्राम वाइट चॉकलेट, मैंने प्योर चॉकलेट लिया है, आप यहाँ कंपाउंड भी ले सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए 25 ग्राम फ्रेश क्रीम, जितना चॉकलेट है उसका जस्ट हाफ।
65 ग्राम मैंने लिया है क्रीम चीज़, मैंने फिलाडेल्फिया लिया है, आप डिलेक्टा या कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। 40 ग्राम ये व्हिप क्रीम है जिसे मैंने ऑलरेडी व्हिप कर लिया है। सबसे पहले हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। तो ये देखिए चॉकलेट मेरी मेल्ट हो गई है, मैंने इसे माइक्रोवेव में मेल्ट किया है, आप डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। तो क्रीम हमेशा ठंडी ऐड कीजिए जिससे चॉकलेट का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और इसका गनाश तैयार कर लीजिए। अब इसमें मैं ठंडी ही क्रीम चीज़ ऐड करूँगी और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें बहुत प्रॉपरली मिक्स करना है, हमें एकदम सॉफ्ट सी फ्रॉस्टिंग बनानी है, स्मूथ सी फ्रॉस्टिंग बनानी है। इसे मिक्स करने में लगभग 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट लगेगा। अब देख सकते हो एकदम स्मूथ हमारा जो फ्रॉस्टिंग है वो बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। तो व्हिपिंग क्रीम ऐड करते समय हमें बहुत जेंटली इसे मिक्स करना है, हम इसे बलून विस्कर से मिक्स नहीं करेंगे। स्पैचुला की हेल्प से कट एंड फोल्ड मेथड से और बहुत ही लाइट हैंड से हम इसे मिक्स करेंगे। मेरी जो व्हिप क्रीम है ये नॉन डेरी व्हिप क्रीम नहीं है, ये डेरी क्रीम है। अब ये मेरे पास है 1 mm नोज़ल, आप इसकी जगह स्टार नोज़ल या कोई और डिज़ाइन का भी ले सकते हैं। मैंने इसे पाइपिंग बैग में सेट कर लिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे पाइपिंग बैग में फिक्स कर लिया है। और अब हम पाइपिंग बैग में हमारा फ्रॉस्टिंग ऐड करेंगे। स्पैचुला के ऊपर इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए आपका डिज़ाइन प्रॉपर आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको 5 से 10 मिनट फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब हम इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए मैं उल्टा सी बना रही हूँ और इस तरह से इसको डिज़ाइन कर रही हूँ। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसको प्लेन भी कर सकते हो। आपके पास पाइपिंग बैग और नोज़ल्स नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हो, और जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से भी आप बना सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए इसी तरह से मैं सभी स्लाइसेस को डिज़ाइन कर लूँगी और इसके ऊपर मैं स्ट्रॉबेरीज़ को लगा दूँगी। तो स्ट्रॉबेरीज आप अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी कैसे भी लगा सकते हो, मैंने छोटे छोटे पीसेस स्ट्रॉबेरीज़ के यहाँ लगाए हैं। तो ये देखिए ये मैंने इस तरह से इसको डेकोरेट किया है। अब जो इसका ऊपर वाला पार्ट है इस पर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल लगाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा शुगर लिया है, कैस्टर शुगर या ग्रैनुलेटेड शुगर कोई भी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कीजिए। बहुत थोड़ा सा ही ऐड करना है, हल्का सा मैंने इसमें रेड फूड कलर ऐड किया। चीनी मेरी थोड़ी सी कलरफुल हो गई। अब हम इसको नीचे की तरफ स्प्रिंकल कर देंगे। तो एक तरफ हमने स्ट्रॉबेरी से डेकोरेट किया है और इस तरफ हम कलर्ड शुगर से स्प्रिंकल करेंगे और डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कलरफुल है, बहुत टेस्टी है। इसे आप इस तरह के ग्लिटर्स के साथ भी डेकोरेट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब टू माय मामीज चैनल इफ यू लाइक द वीडियो एंड इट्स वेरी यम्मी टू सी दिस। कैन यू सी इट एंड डू सी द स्प्रिंकल्स एंड द स्ट्रॉबेरी, सो यम्मी। The decoration is amazing. Now I'm gonna test this out. Yummy. Have you tasted this? It's so amazing. Hit the like button for more videos. Bye.